नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज सिधौल पंचायत में पहुंची है, जहां पे वर्तमान मुखिया प्रत्याशी वासुदेव प्रसाद आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि ये चुनाव में इस बार आए हैं तो इनका मुद्दा क्या है, सोच क्या है और किन उम्मीदों को लेके ये इस बार का चुनाव फेस कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होंगी, लेकिन पहले आइए हम आपको मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि अभी तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है और प्रत्येक प्रत्याशी लोग का दौरा तेज हो चुका है, तो इस बार आप चुनाव फेस कर रहे हैं मुखिया के पद से, तो किस सोच को लेकर आए हैं चुनाव लड़ने अपने सिधौल पंचायत में और आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा वही रहेगा कि सब सारा मुखिया जो भी किए हैं उनसे सारा हट के हम पंचायत चुनाव का विकास करेंगे। तो इस बार का सोच क्या है आपका? मेरा सोच यही है, घर घर में नल जल जो भी चालू हुआ है सब फोकस दिखाया गया, कहीं आज तक पानी नहीं दिया। तो जैसा बात की टिकरी छोटी है, छोटी चौराहा है, पूरा मेरे पंचायत के लोग आते हैं, वहाँ पर शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था। जैसा कि देखा जाए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, तो प्रत्येक पंचायत का स्थिति काफ़ी जर्जर सामने आ रहा है, तो इस बारे में आपका सोच क्या है? मेरा सोच है कि हम अपने पंचायत में कम से कम दो एम्बुलेंस। तो आप पंचायत का दौरा काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, यहाँ की जनता से मिल रहे हैं, तो क्या फीडबैक देखने के लिए मिल रहा है? फीडबैक तो मेरा बहुत अच्छा है, जनता से भी यही निवेदन करूँगा कि हमको मुखिया बनाए, हम जनता को दिखा। जैसा कि देखा जाता है जब चुनाव नज़दीक आता है तो कुछ प्रत्याशी होते हैं वो जनसंपर्क करते हैं, हमेशा सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वही दो चार महीना जब चुनाव नज़दीक रहता है तो, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पंचायत में काफ़ी लंबा समय बिताए होते हैं, वहाँ की जनता से जुड़े रहते हैं 10 साल 5 साल अपना उसके अनुसार यहाँ की जनता के साथ खर्च किए होते हैं और फिर तब चुनाव में आते हैं। तो क्या आप चुनाव यहाँ की जनता से लगभग 5 या 10 साल से जुड़े हैं, या फिर चुनाव जब नज़दीक आया है या फिर जब चुनाव नज़दीक आया तो 2-4 महीने से यहाँ की जनता से मिल रहे हैं? उस तरह का बात नहीं है, 5 साल से मिले जनता के बीच में जाता हूँ, जनता के बीच सुनता हूँ, जनता के बीच जो भी असुविधा होता है उसको सुविधा में करते हैं और काम भी करते हैं। तो अंत में आप सिधौल पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील वही करेंगे कि हमको हमारा हाथ मजबूत करें, जनता हमको मौका दें, जनता को। जैसा कि देखा जाता है जो पंचायती राज चुनाव होता है तो इसमें जाति धर्म भी एक बड़ा फैक्टर आता है, तो इन सभी जो जाति धर्म जो सामने आएगा इसे आप कैसे संभालिएगा? जाति धर्म के सब कुछ मिला कर पंचायत विकास के रास्ते ले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास को चुनेगी? तो आइए, हमारे साथ कुछ सिधौल पंचायत की ग्रामीण जनता भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका उम्मीद क्या है जो वासुदेव प्रसाद वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी है। आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है? भरत प्रसाद। तो अभी जो मुखिया प्रत्याशी बानी यहाँ के वासुदेव प्रसाद, पर का उम्मीद जुड़ल गए यहाँ से? मेरा सब घूमे किया और जाति पाती की बात नहीं। का यहाँ के जो बानी प्रत्याशी वासुदेव प्रसाद शुरू से ही जनता से जुड़ल बनी? हाँ, शुरू से यहाँ के जनता जुड़ल बनी। क्या नाम है चाचा आपका? सिपाही यादव। तो आप हमें बताइए कि क्या क्या उम्मीदें हैं इनसे, यहाँ की जनता इनको सत्ता में लाती है तो क्या क्या उम्मीद जुड़ा हुआ है? हमें उम्मीदें बहुत है कि बहुत जगह काम बाकी है, आज तक मुखिया ने कराया नहीं, ये बहुत दिन से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक बार मुखिया हो जाए कि सब काम कराएं। जो नल लगा है उसमें पानी भी नहीं आता है, ऐसे ही पाइप खड़ा कर दिए हैं, बस टूटी खड़ा कर दिए, पानी आता नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, उनसे जाने कि उनका सोच क्या है, उनका सपना क्या है। आज तक काम नहीं किया, तो आपको क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इनसे? बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है, जैसे गाँव में मान ले कि पंचायत का जरूरत है, वो भी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र भी चाहिए, मान ले कि इमरजेंसी डॉक्टर जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता इनको सत्ता में लाती है तो ये तमाम कार्य पूर्ण कर पाएंगे? ये अपना काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जी ठीक है, हम सब वोट करेंगे करेंगे, आप लोग समर्थन में हैं। जी जैसा कि अभी तक हम सिधौल पंचायत में मौजूद थे, हमने यहाँ की ग्रामीण जनता से ही बात किया, उनका कहना है कि हमारा जो सपना है वो हमारे पंचायत में 2 एम्बुलेंस हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो,
और शिक्षा को लेकर काफ़ी सुधार हो, जितने भी विकास के कार्य बाकी हैं उन तमाम कार्यों को पूर्ण करके हमारे पंचायत की हमारे पंचायत को एक विकसित पंचायत बनाने का कार्य करेंगे, जो वर्तमान में यहाँ पे मुखिया पद के प्रत्याशी वासुदेव प्रसाद हैं। ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N24 लाइव पे। धन्यवाद। अच्छा, आपको क्या क्या उम्मीद जुड़ा हुआ है इनसे? उम्मीद हमको ये जुड़ा है कि जब लॉकडाउन लगा फिर भी कोई प्रत्याशी किसी के घर नहीं जाता था, उस समय हम लोग राशन कार्ड दौड़ धूप के बनवाए और जितना आदमी को हम लोग बनवाए हैं राशन कार्ड वो लोग हमारे साथ। तो 5 गांव का पंचायत है, 5 गांव में हम लोग 464 राशन कार्ड बनवाए 5 साल का अंदर हारे हुए प्रत्याशी। जो वासुदेव प्रसाद इस समय मुखिया पद के प्रत्याशी है, तो क्या यहाँ की जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं? एकदम जुड़े रहते हैं, सब उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। इसके बाद हम लोग लोन भी दिवाए हैं, 1.65 लाख रुपया लोन भी दिवाए हैं। अभी जब पद पे नहीं थे, मुखिया पद पे नहीं थे, तब निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए, सेवा करते आए हैं और सेवा करते रहेंगे, इसलिए हम लोग साथ में। तो क्या आपको लगता है यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करेगी? सपोर्ट एकदम 100% करेगी। और जो उम्मीदें जुड़ी हुई है, जैसा कि इनका कहना है कि हमारे पंचायत में अभी मुखिया पद पे नहीं थे, हारे हुए प्रत्याशी थे, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और इस बार यहाँ की जनता इन्हें निराश नहीं करेगी और सत्ता में जरूर लाएगी, मुखिया के पद पे जरूर बिठाएगी और जो सपना इनसे जुड़ा हुआ है ये तमाम कार्यों को पूर्ण करके अपने पंचायत के विकास के राह पर ले जाएंगे। ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N24 लाइव पर।